शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। एवरीवन, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं गुरुजी के आगे खड़े होके कि क्या बोलना है। मैंने कई बार सत्संग किया है तो कई लोगों ने सुना भी होगा, तो थोड़ा सा रिपीट होगा शायद, और थोड़ा मैं अपना नया शेयर करूँगी। तो सबसे ज़्यादा तो गुरुजी का शुक्राना है कि उन्होंने अपनी शरण में लिया है हमें और फेथ दी है, क्योंकि मुझे लगता है कि और जो भी मैं बोल रही हूँ मेरे एक्सपीरियंस सिर्फ या जो मैं फील करती हूँ कि बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है कि ये विश्वास हो जाए कि किसी का हाथ हमेशा आपके सर पे और सब कुछ ठीक होने वाला है आगे। तो वो जो विश्वास गुरुजी ने दे दिया उससे लाइफ बहुत स्मूथ हो गई है। और शुक्राना ये है कि गुरुजी ने जब हमें जोड़ा 2016 में, तो पूरी फैमिली को जोड़ दिया एक साथ। पेरेंट्स हैं, घर में बच्चा है, सबका फेथ एक साथ बना दिया। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग और भी क्या होगी कि पूरी फैमिली जुड़ी है। अगर कोई एक जुड़े दूसरा नहीं जुड़े तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो जैसे शब्द में भी कहते हैं ना, तू जपे ते जपावा, तू जपावे ते जपा, सॉरी। तो फेथ भी गुरुजी ही देते हैं, अपने आप जोड़ने का रास्ता भी वही निकालते हैं। तो ऐसे कई छोटे छोटे सत्संग है कि हाउ ही मेड इट पॉसिबल। मतलब हम लोग कोई ऐसे बहुत रिचुअलिस्टिक या रोज़ मंदिर जाने वाले लोग नहीं थे, विश्वास करने वाले हैं पर ऐसे नहीं थे। पर गुरुजी ने वो अपने आप कुछ ना कुछ करके बांध दिया। और सबसे अच्छी बात यह थी कि गुरुजी के पास हम किसी मुसीबत में भी नहीं पहुंचे थे। ऐसा भी नहीं था कि कोई बहुत दुखी है और कोई सहारा ढूंढ रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा शुक्राना, और बहुत ही जितना सोचते हैं उतना शुक्राना और निकलता है कि फिर भी गुरुजी ने बुलाया। और जैसे कहते हैं गुरु अपना टाइम होता है, जब गुरुजी की ने बुलाना होता है तो कोई ना कोई रास्ता निकल आता है, आपका विश्वास भी बन जाता है, आपके पास रीजंस भी होते हैं, आप पहुंच जाते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो वो और दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे सत्संग हम सुनते हैं और लगता है सबके साथ मिरेकल्स हो रहे हैं, हमारे साथ भी होंगे। पर सबसे बड़ी बात यह है, जब मैं और सोचती हूँ कि मिरेकल ना होना ही कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि आपके पास कुछ, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, आपकी लाइफ स्मूथ चला रहे हैं गुरुजी। सो यू रियली डोंट नीड कि कुछ हो जाए तो मुझे कुछ लगेगा। तो ये एक और ब्लेसिंग है कि गुरुजी लाइफ स्मूथ चलाते रहते हैं। मुसीबतें आती हैं जो फील नहीं होती हैं, क्योंकि साथ साथ सॉल्यूशंस निकालते रहते हैं। तो हमारे साथ भी यही है, हर तरह की मुसीबत आती है पर गुरुजी उसकी हिम्मत देते रहते हैं और निकालते रहते हैं। तो अभी दो लेटेस्ट सत्संग जो मैं शेयर करूँगी कि मेरे आई लॉस्ट माई डैड दिस अप्रैल, और मैं काफ़ी साल से उनसे मिली नहीं थी। मैं 2 साल हो गए नहीं जा पाई, जॉब था, बच्चे का एडमिशन था, कुछ था, तो आई वॉज वेरी बिजी। और जैसे ही मैंने सोचा कि मैं जाऊँगी, कोविड आ गया। तो क्योंकि इधर भी पेरेंट्स हैं उधर भी पेरेंट्स हैं, कोविड में हमने कहा नहीं ट्रैवल करेंगे, क्योंकि इट विल पुट फैमिलीज एट रिस्क। तो इस लास्ट दिसंबर 21 दिसंबर में 4.25 साल हो चुके थे कि मैं उनको मिली नहीं थी। और गुरुजी की बहुत कृपा है कि उन्होंने उनके सिर पे भी अपना हाथ रखा हुआ था। ही हैड इश्यूज़ ऑफ सीजर्स या लूजिंग बैलेंस, और कई बार गिरे होंगे, लेकिन कभी कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं आने दी गुरुजी ने। तो मैं इतने टाइम से सिर्फ एक ही चीज़ मांगती थी गुरुजी की, कभी भी ऐसा मत करना कि मैं उनसे मिल ना पाऊँ और आप उनको ले लो। तो दिसंबर में हमने जाने का प्लान बनाया, और अनफॉर्चुनेटली वहाँ फैमिली जो कोविड से 2 साल से बची हुई थी, उनको कोविड हो गया। सो वी हैड टू कैंसिल। देन आई टॉक टू हिम इन फेबररी एंड आई फेल्ट कि थोड़ा वीक लग रहे हैं, सो आई मस्ट गो। एंड मैंने एक दिन में प्लान बनाया और मैं फेबररी में गई। 2 हफ्ते उनके साथ मैंने टाइम बिताया, और शायद अभी तक का शादी के बाद का मेरा सबसे अच्छा टाइम उनके साथ वही था, क्योंकि कभी मैं बच्चे के साथ जाती थी, कभी फैमिली के साथ जाती थी, कभी किसी ओकेजन पे जाती थी, इंडिया की शॉर्ट ट्रिप्स होती थी, लेकिन ये 2 हफ्ते मैं सिर्फ उनसे मिलने गई थी। तो February में I spent a very good quality time with him. He was happy, and then April I lost him just after a month of coming back. So इससे अच्छा closure गुरुजी मुझे नहीं दे सकते थे और मेरी दिल की बात नहीं सुन सकते, और ये शायद मैंने किसी को कभी बोला नहीं, सिर्फ गुरुजी के आगे मत्था टेकते हुए जब भी मेरे दिमाग में उनका ध्यान आता था मैं सोचती थी. और ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब आई थिंक इट्स अ बिग गिफ्ट फ्रॉम हिम टू मी. पर मैंने पहले भी सत्संग में बोला कि कोई छोटी से छोटी बात भी आप सोचो ना वो पूरी हो जाती है, एंड यू रियलाइज, वो रियलाइजेशन भी गुरुजी देते हैं क्योंकि पहले वो रियलाइज ही नहीं होता था और अब होता है. तो बहुत बहुत शुक्राना उसके लिए भी. और अभी लेटेस्ट ये है कि पास्ट सैटरडे इट वाज आवर एनिवर्सरी, और एनिवर्सरी थी तो सबसे अच्छी सेलिब्रेशन तो आजकल सत्संग ही लगता है क्योंकि इतनी पीस मिलती है और गुरुजी की शरण में जाते हैं. तो किसी संगत के घर सत्संग था और हमने जाना था, और मैं फूल लेने के लिए निकली और मेरा बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ, सारे एयरबैग्स खुल गए और मेरी गाड़ी पोल से टकराई, यार्ड में घुसी और एक पेड़ के 1 फीट साइड से निकल गई. आई वॉज शॉक्ड, बट पीछे से और लेडीज़ आई एंड शी वॉज इन शॉक टू सी कि गाड़ी की क्या हालत है और कुछ. एंड मैंने उनको बोला नहीं मैं ठीक हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं मैं पुलिस को बुला रही हूँ, एम्बुलेंस को बुला रही हूँ, बिकॉज तुम्हारी गाड़ी देख के नहीं लग रहा कि सब ठीक है. तो उसके पहले वर्ड्स मुँह से यही थे कि आई थिंक देयर इज़ एन एंजल वॉचिंग ओवर यू. तो मैंने अपने डैशबोर्ड की तरफ इशारा किया, यू आर राइट देयर इज़ एन एंजल सिटिंग. एंड उसको देख के अगर वो गाड़ी की कोई पिक्चर देखेगा उसको नहीं लगेगा कि मैं ऐसे छोटी सी थोड़ी बहुत एक्सटर्नल इंजरीज से निकल के आ गई हूँ. तो अगेन बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी इसके लिए. सो अगेन आई विल से दिस कि जैसे सुना भी है कि करोड़ों लाखों करोड़ों तो ब्लेसिंग्स ऐसी है जो हमें दिखती है जो गुरुजी कर रहे हैं, और उससे 10,000 गुना ज़्यादा वो है जो हमें नहीं दिख रही हैं. एंड विच वी रियलाइज कि जब स्मूथ चलती हैं चीज़ें और जब कष्ट आके साइड से निकल जाते हैं. तो यही अरदास है गुरुजी से कि सबके सिर पे उनका हाथ बना रहे, सबकी फेथ बनी रहे और सबका भला हो. जय गुरुजी. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ. ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साथ.